दोस्तों सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों डिपार्टमेंट जो है आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का, उसने एक नोटिस आपके लिए आवश्यक जारी किया है जो आपको जान लेना अति आवश्यक है। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, ये नोटिस आप देख सकते हैं 13/3/2020 यानी कि कल का ये नोटिस है और दोस्तों ये अभी अपलोड किया गया है। ठीक है, इस नोटिस के अंदर क्या बातें हैं आप पहले यहाँ पर देखिए। इन्होंने इसमें पहले नंबर का पॉइंट दिया है कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फॉरेस्ट रेंजर एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड इज 15 और 16 मार्च 2020। एडमिट कार्ड आर नाउ इशू ओनली फॉर फॉरेस्ट रेंजर एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं क्योंकि 15 और 16 मार्च को इसका एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, फिर सेकंड बात यहाँ पर देखिए, आपको पता है ये फॉर्म निकाला गया था और इसमें तीन पोस्ट दी गई थी, फॉरेस्ट रेंजर की, वाइल्ड लाइफ गार्ड की और फॉरेस्ट गार्ड की। तो दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड इसका 15 और 16 मार्च 2020 को एग्जाम होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। फिर सेकेंड नंबर पर इन्होंने बताया कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फॉरेस्ट गार्ड, ध्यान रखिएगा केवल फॉरेस्ट गार्ड की बात यहाँ पर हो रही है, टेंटेटिव फिक्स ड्यूरिंग अप्रैल 2020। एडमिट कार्ड आर नॉट इशूड नाउ फॉर फॉरेस्ट गार्ड, कहने का मतलब है जो फॉरेस्ट गार्ड वाला आपका पद है, पोस्ट है, इसका एग्जाम अप्रैल में होगा और इसके एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं किए गए। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, आपको ध्यान इतना रखना है यदि आपने फॉरेस्ट रेंजर या वाइल्ड लाइफ गार्ड का फॉर्म भरा है तो 15-16 को आपका एग्जाम है, आपके पास SMS आ गया होगा और उसके एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, और यदि आपने दोस्तों केवल और केवल फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट अप्लाई की है तो इसका एग्जाम आपका 2020 में होने वाला है और एडमिट कार्ड अभी तक इशू नहीं किए गए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसके नीचे इन्होंने दोस्तों लिस्ट भी दी है कि कहां कहां पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बनाए गए हैं, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी स्टेट वाइज आपकी लिस्ट अच्छे से बताई गई है, एड्रेस भी दिए गए हैं जहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों आप अपने जोन की यहाँ से लिस्ट ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर रखे गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। ध्यान रखिएगा दो बातें इसमें आपको महत्वपूर्ण बताई गई, एक तो ये कि फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ गार्ड का यदि आपका फॉर्म है तो 15-16 मार्च में आपका पेपर है, आपके पास SMS आ गया होगा, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और यदि फॉरेस्ट गार्ड, यदि आपने फॉरेस्ट गार्ड अप्लाई किया था तो इसका एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2020 में होगा, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए। आप परेशान मत होइए कि फॉरेस्ट गार्ड, बस आपने इतना नाम सुना कि फॉरेस्ट गार्ड और आप साइट पर देखने लग जाए, जैसे ही आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो दोस्तों आपका केवल फॉर्म खुल जाता है और आप परेशान होते हैं कि एडमिट कार्ड का लिंक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपने फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट अप्लाई की होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए आवश्यक थी। इसी तरीके की जानकारी यदि आपको चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारा चैनल आपका अपना चैनल सेल्फ स्टडी आपको इसी तरीके की अपडेट और सही जानकारी समय पर उपलब्ध कराता रहता है और सभी भर्तियों की तैयारी और स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जैसे आपका CSF हेड कॉन्स्टेबल, मिनिस्ट्रियल, दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल या कोई भी अन्य भर्ती यदि आती है UP SSC की या दोस्तों HSC की पर अवेलेबल कराई जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर तो इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट या किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।